We will study together and make this year very productive. एकदम कार्टूनिस्ट लग रहा हूँ मैं। स्पाइडर ने नेट लगा रखे हैं और रूम में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है लाइट कटने से। Already completed my class 9th political science. Hello guys, good morning. तो कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसा चल रहा और आपके तरफ ठंड कितना है? So guys, this blog will be my first blog in 2024 and I hope you will like this blog, I hope you will love this video and most importantly, if you are new to this channel, you can definitely subscribe this channel and we will study together and make this year very productive like never ever before. So let's study guys with me. ठंड बहुत लग रही है और अभी मॉर्निंग में मैं उठ गया था, अभी चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और तब अपना मॉर्निंग का टू डू लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी 6:08 हो रहे हैं और आज है 4 दिसंबर। तो सबसे पहले मैं अपना डे का शुरुआत करता हूँ टू डू लिस्ट बना के कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। और गाइज आपको तो पता ही होगा अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हो तो कि बीपीएससी ने अब बहुत ही बढ़िया कर दिया है। अब यूपीएससी की तरह बीपीएससी ने भी डेट फिक्स कर दिया है कि हर साल 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम ले लेगा और फिर जनवरी में मेंस का एंड फिर इंटरव्यू। इसके पहले कोई भी डेट फिक्स नहीं था कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो गाइज अभी सबसे पहले मैंने आज का राइटिंग कंप्लीट कर लिया है लिख के और अब इसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ आज का करेंट अफेयर्स लिखने। आज है 4 दिसंबर और 3 दिसंबर तक का मैंने करेंट अफेयर्स लिख लिया है बट रिवाइज नहीं किया है। तो अभी चलते हैं आज का यानी कि 4 दिसंबर का करेंट अफेयर लिखते हैं और 2-3 दिन का करेंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे जो कि जनवरी का है। अभी मैं करेंट अफेयर्स लिखने बैठा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, लाइट कट गया। जो टेबल लाइट मैंने लिया है उसका यूज़ अभी हो रहा है और इसका बेनिफिट मुझे लग रहा है कि अब हो रहा है बिकॉज अभी लाइट कट गया है और रूम में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है लाइट कटने से। तो अब ये मैंने 3 दिसंबर का करेंट अफेयर्स लिख लिया है और इधर ये 4 दिसंबर का करेंट अफेयर्स भी आज मैंने लिख लिया है। अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। और आज का ये क्वेश्चन, हु लॉन्च द मिलिट्री स्पेस X-37B? तो स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है जो कि एलन मस्क का कंपनी है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉयल फॉर हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर? स्वीडन के साइंटिस्ट ने ये डेवलप्ड किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सॉयल से हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर होगा। तो इसके बाद मैं पढ़ता हूँ ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में मैं चैप्टर पढ़ता हूँ 5 जो कि इस बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस बुक में फ्लोरा एंड फौना के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और कुछ टॉपिक है जैसे कि लैंड, सॉयल, क्लाइमेट, टाइप ऑफ वेजिटेशन। और गाइस टाइप ऑफ वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में। टाइप ऑफ वेजिटेशन इसमें 5 दिए गए हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो गाइज मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ के कंप्लीट कर लिया है और जल्दी से आज का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना बनाना है मुझे और तब जाऊंगा क्लास। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ता हूँ मैं, फिर एडिटोरियल पेज में जाके कुछ देर एडिटोरियल को पढ़ता हूँ धीरे धीरे समझ के। गाइज एक तो मॉर्निंग में ऐसे ही कम टाइम रहता है और सब्जी मैंने कट कर लिया है बट इसे धोना था और टंकी का पानी ही खत्म हो चुका है। चावल बन के रेडी है मेरा, दाल बन रहा है बट पानी ही खत्म है। बताइए आप कैसे पानी खत्म हो जाता है रोज? सुबह का रोज यही हाल ही रहता है, सुबह में कोचिंग जाना रहता है और पानी खत्म करवा देते हैं आप।
हाँ गाइज, और अंकल जी को कॉल किया जाता है कि पानी चला देने के लिए मोटर से, बट वो कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं, एक बार में दो बार में। फिर अंकल जी देखेंगे बाद में कि कॉल किसका था, तो एक दो घंटे बाद कॉल करेंगे। तो गाइज, आज मुझे देना है अपने रूम के अंकल जी को रेंट, रूम प्लस इलेक्ट्रिसिटी का। तो वही मैं आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का देखने कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया है इस मंथ। तो अभी देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करके तब अंकल जी को पैसा देंगे बाद में। ये इतने मीटर्स लगे हुए हैं और ये जितना फ्लोर है सबका अलग अलग है। हम लोग का ये वाला है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है हम लोग का। और आप यहाँ देख सकते हैं पूरा स्पाइडर ने अपने नेट लगा रखे हैं, मकड़ी का जाल जिसे बोलते हैं, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं है, जब ज़रूरी पड़ता है तभी आता है। तो फिलहाल मैंने देख लिया कितना यूनिट हम लोग कंज्यूम हुआ है, तो अभी चलते हैं। और मेरा साइकिल यही लगता है इस सीढ़ी के नीचे। फाइनली मैंने फिर से अंकल जी को कॉल किया, उन्होंने रिसीव किया, फिर अब पानी आ चुका है। और अभी लगभग 10:15 हो रहे हैं मेरे वॉच में, अब सब्जी रेडी करके निकलेंगे। तो सब्जी मेरा रेडी हो चुका है 90% तक, अब धनिया ऊपर से डाल देते हैं और बस कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड देन आई विल रेडी फॉर माई कोचिंग। अपने सू को भी छत पे रख देते हैं। तो अपने इसको मैंने यहाँ रख दिया है ताकि हवा से सूख जाए। तो गाइज, मेरा खाना एकदम रेडी है और लेट हो चुका है, मैं रेडी हो चुका हूँ, ठंड लग रहा है इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया है। और ये कैप बस मैं रास्ते में पहन के जाऊँगा, फिर उसके बाद निकाल दूंगा, क्योंकि अजीब लग रहा है थोड़ा सा, एकदम कार्टूनिस्ट लग रहा हूँ मैं। क्लास से आते हैं, फिर लंच होगा मेरा और तब पढ़ाई होगा आफ्टरनून का। तो गाइज, मैंने अपना चश्मा लगा लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ कोचिंग के लिए। उधर ही मैं अपना फेवरेट एक जलेबी और एक लिट्टी नाश्ता कर लेता हूँ। A few moments later. तो फाइनली मैं क्लास से आ चुका हूँ, अपने रूम में जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइज, क्लास से आने के बाद मैं सबसे पहले लंच करता हूँ अपना, उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं हिस्ट्री का सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ता हूँ, जो कि है हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंग्लैंड, सेकेंड टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट, और इंडिया में सबसे पहला क्रिकेट क्लब जो बना था वो कलकत्ता क्रिकेट क्लब बना था, जो कि 1792 में बना था। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बनाने, जो कि चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। मेरे क्लास में अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाई हो रहा है, बट इस चैप्टर का नाम ही बस सिंपल इंटरेस्ट है, चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अभी मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चन जो मिले हुए हैं बनाने के लिए बुकलेट से, और जो डाउट क्वेश्चन होगा उसे कल क्लास में डील करेंगे सर से। तो अभी फ़िलहाल मैथ्स के क्वेश्चन बना लेते हैं और तब उसके बाद आगे का जो टू डू लिस्ट मेरा बाकी होगा उसको कंप्लीट करेंगे। पिछला जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाया था उसे मैंने एनालाइज नहीं किया था, तो अभी मैं उसे एनालाइज कर रहा हूँ। और गाइज, किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए उसे एनालाइज जरूर करना चाहिए। तो मेरा आज का जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया था जिसमें कि मैथ्स पढ़ना था, मैथ भी मैंने कुछ क्वेश्चन बना लिए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाने थे उसको भी मैंने क्लियर कर लिया है बना के। एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस बुक एंड क्लास 9th इकोनॉमिक्स बुक। नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्लास 9th साइंस बुक। तो गाइज, मैंने आज साइंस में पढ़ा था वो चैप्टर, मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जिसे आप गेस कर पाओगे उस चैप्टर का नाम। एक एप्पल गिरता है किसी इंसान के सर पे और उसके बाद उन्होंने पूरे बुक लिख डाले, पूरे चैप्टर्स पे चैप्टर्स बना डाले। तो हाँ गाइज, मैंने वही चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो गाइज, अभी रात के हो रहे 9:30,
और मेरा डिनर बन चुका है और मैंने खाना भी खा लिया है। तो आज का मेरा जो भी टू डू लिस्ट था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी एक बाकी है, वो है लुसेंट। सबसे पहले वो लाइट जल रहा है उसको मैं कर देता हूँ बंद। 3 टैप में लाइट हो जाता है बंद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यस, लुसेंट। सोने से पहले मैं पढ़ूंगा लुसेंट, बट ये वीडियो यहीं पे एंड होगा। तो गाइज, अगर यह ब्लॉग आपको देखने में अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही स्टडी ब्लॉग हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और हाँ गाइज, मैं कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाला हूँ। आई थिंक 6 दिसंबर से ज्वाइन करूँगा, और आज है 4 दिसंबर। तो ये 4 दिसंबर का वीडियो आप पता नहीं कब देखोगे, क्योंकि शायद मुझे एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा इस वीडियो को। तो जब भी एडिट होगा आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको ब्लॉग हमेशा मिलते हैं देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय गाइज़।